नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जायसवाल आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी चैनल में। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कंप्यूटर के स्टार्टअप सेटिंग के बारे में। कंप्यूटर का स्टार्टअप सेटिंग होता क्या है और इसमें कौन सा एप्लीकेशन आपको डिसेबल करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बेसिकली स्टार्टअप सेटिंग ये होता है कि जब आप अपने कोई कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको कि आप स्टार्ट भी नहीं करते, जिससे कि आपका सिस्टम स्लो हो जाता है और बहुत लोग इससे इरिटेटेड भी हो जाते हैं। तो इसे स्टॉप कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर या लैपटॉप में टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आपको सिंपली सा अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का की प्रेस करना है, जिससे कि आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको, अगर नहीं ओपन होता, अगर आपका लिनोवो का लैपटॉप या फिर दूसरे लैपटॉप से उसमें नहीं होता, तो आपको सिंपली सा यहाँ नीचे आकर राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप का टैब दिख जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली सा क्लिक करना है। तो यहाँ पर सारे ऐप्स दिख जाएंगे जो कि आप यहाँ से जाके डिसेबल कर सकते हैं ना है। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डिसेबल कर रखा है, तो इसको मैं इस पर राइट क्लिक करना है, आपको डिसेबल पे क्लिक करना है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम ये भी ऑटोमेटिक, इसको भी डिसेबल कर सकते हो आप। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा स्पॉटिफाई, इसको भी डिसेबल कर सकते हैं कि आप। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह के एंटीवायरस या फिर विंडो के एप्लीकेशन को डिसेबल ना करें। ये सब करने के बाद आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो फास्ट वर्क करने लगेगा, जिससे कि आपका। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके रिलेटिव कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन दबा के रखें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।